अचानक कैसे आप सभी आए हो। पापा बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज डेट है 10 फरवरी और अभी बज चुके हैं एग्जैक्ट 8:30 और हम लोग निकल रहे हैं बाहर। तो कहाँ जा रहे हैं तो आपको आगे आगे व्लॉग में पता ही चल जाएगा। और ये यहाँ पे बैगिंग, सारे बैग सब पैक हो चुके हैं, जूते वगैरह सब रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर सारा सामान है क्योंकि इसके अंदर मैंने रखा है नित्या के लिए खाना और पानी वगैरह सब इसमें रखा है। ये मेरा बैग छोटा सा और ये जैकेट वगैरह जो अभी हम लोग पहन के जाने वाले हैं। तो इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई। और नित्या और नित्या के पापा यहाँ पर है किचन में, क्या कर रहे हैं दोनों? भूख लगी दोनों को तो कुछ खा रहे हैं। और सारे 8:30 के ऊपर हो चुका है और हम लोगों ने अभी बन रखी है, कैब बुक की हुई है बस स्टेशन जाने के लिए और पूरा घर का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ और इतना थक चुकी हूँ ना, तभी इतनी सारी पैकिंग और इतना सब कुछ। और मैं ये वाला कुर्ता है ना, रेगुलर सा घर पे जो पहनती हूँ वही वाला मैंने पहन रखा है क्योंकि रात का सफ़र है तो रात में तो चलेगा इसलिए, बाकी तो सारा इसमें मैंने भर रखा है। तो ये मैंने लगाई है लिपस्टिक, थोड़ी सी रेड वाइन कलर, और कैसा लग रहा है बताइएगा आप मुझे। और मैंने बालों को आज वॉश भी किया हुआ है और मैंने इसमें डाला था कल मेहंदी, तो मेहंदी से ही बाल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही शाइनिंग कर रहा है। तो बस हम लोग का डिनर हम लोगों ने बहुत ही जल्दी कर लिया था और कुछ 9:30 की हमारी कैब है ना, बालू 9:30 की है ना, हाँ 9:30 की एग्जैक्ट है। और बस है हमारी 10:30 की जो बस स्टॉप है वहाँ से। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हो और ये ट्रिप आप बहुत इंजॉय करने वाले हो क्योंकि ये इसमें बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारा इंजॉयमेंट होगा। और इतना सारा, इतना टाइम के बाद लॉकडाउन के बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं विथ फैमिली और इतनी खुशी हो रही है मुझे भी, और नित्या भी इतनी एक्साइटेड है। अभी तक नित्या को हम लोगों ने चेंज नहीं करवाए कपड़े, लेकिन अभी जाने से पहले करवा लेंगे। और मैंने आज डिनर में बनाया था पुलाव, तो बस हम लोगों ने पुलाव खा लिया है और बाकी का सारा जो नाश्ता वगैरह हमने लिया है क्योंकि नित्या छोटी है ना तो उसके लिए ज़रूरी है। और बस यही सब चल रहा है। और इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आए, बहुत सारे फ्रेंड्स मैसेज करते कि आप डेली व्लॉग बनाओ। तो डेली व्लॉग आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है लाइफ में जब आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो सही नहीं रहती। फिजिकल आप ठीक होते हैं लेकिन मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते कुछ चीज़ करने के लिए, तो नहीं आ पाता है व्लॉग या कुछ चीज़ करने की ज़रूरत, मतलब हम सोचते कि हम व्लॉग बनाओ करूँ पर नहीं हो पाता है कभी कभार। लेकिन कोई नहीं, किसी चीज़ से उभर कर आकर अभी व्लॉग आएगा आप लोग के लिए, डेली व्लॉग आएगा। डेली मैं अभी कोशिश करूंगी कि ये मेरा जो काम है इसको मैं दिल से निभाऊं और डेली व्लॉग बनाऊं। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद बस स्टेशन पर और बस स्टेशन हमारा ये जो है ना अभी नया बन चुका है और बहुत ही बड़ा और अच्छा वाला बन चुका है।
तो हम लोग अभी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीति आप लोग को हेलो भी कर रही है। और मैंने आपको दिखाया ना, पूरा नया बस स्टॉप हमारा बन चुका है, और मैं भी बहुत टाइम के बाद बस में ट्रैवल कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ भी हमारा अहमदाबाद का बस स्टेशन आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और नित्या को बहुत ही मज़ा आ रहा था, नित्या बहुत ही खेल रही थी और सबको देख रही थी, और अच्छा भी लग रहा था उसको, देखो किस तरह से वो खेल रही है यहाँ पर। और अभी हमारी बस आने में थोड़ा सा टाइम था, तो हम लोग बैठकर वेट कर रहे थे, थोड़ा सा घर से ही जल्दी निकल गए जिससे हमारी बस जो है वो मिस ना हो जाए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. सो रही है और एक बस स्टॉप है वहाँ पे रुकी हुई है, और हस्बैंड गए हैं नीचे, गाड़ी तो चालू ही है, और स्लीपर कोच में बहुत ही मजा आ रहा है सोने में भी, और अच्छा भी लग रहा है। नित्या यहाँ पे नीचे है, हमने ना ये ऊपर वाली जो है ना कोच ये बुक करवाई थी, लेकिन ये नीचे वाली जो है ना खाली थी, तो फिर हम लोग नीचे आ गए नीचे वाले कोच में। नित्या को दिखाते हैं आप लोग को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज डेट है 11 फरवरी और सुबह का टाइम है, और आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं नाथद्वारा। तो हम लोग नाथद्वारा के लिए श्रीनाथ जी दर्शन के लिए आए हैं, और यहाँ पे हमारा प्लान है और 4-5 दिन रुकने का, मिनिमम 4 दिन रुकेंगे और उदयपुर और ये सारा घूमेंगे हम लोग, नाथद्वार भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग के साथ पूरा शहर भी करेंगे। तो अभी हम लोग तो नाथद्वार पे पहुंच चुके हैं, और दर्शन हमारे 11 बजे के थे, तो अभी मॉर्निंग में हम लोग निकले हैं चाय पीने और साथ में कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये काका ने ना बहुत ही बढ़िया चाय बनाई, हमने मॉर्निंग में चाय पी थी लेकिन वो ना कुदीने वाली चाय थी, यहाँ पे मोस्ट ऑफली ना कुदीने वाली चाय बहुत मिलती थी, लेकिन हमने कुदीने वाली चाय हमने ट्राई किया, ऐसे भी हम लोग घर पे तो बनाते ही है, लेकिन यहाँ वाली जो कुदीने वाली चाय थी ना बहुत ही ज़्यादा कुदीना था, तो मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी। तो हम लोग ने यहाँ पे चाय पिया, उसके बाद एक अच्छे से यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने गए, तो हमने मंगाई है कचौरी, समोसा, खमन और मिर्ची वड़ा, ये बहुत ही यहाँ पे फेमस था, तो हम लोग वही नाश्ता कर रहे हैं। तो हमारे दर्शन 11 बजे के थे, इसलिए तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करने के वापस हम लोग रूम पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग दर्शन करने के लिए आएंगे वापस। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।